गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और आज का व्लॉग बहुत ही आपको अच्छा भी लगेगा और हमारे व्लॉग्स आप भाई जल्दी जल्दी बनके की फैमिली करवा दो। और गाइस अभी सुबह के बज रहे हैं 6:06 और अभी मैं स्कूल के लिए रेडी हो गया और मैंने देखा कि तो अभी तो स्कूल में आने का टाइम नहीं हुआ है, अभी बैठ गया। तो गाइस फिर आपको मिलता है थोड़ी देर में। गाइस गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ब्लॉग स्टार्ट हो ही चुका है, आपको पता ही है कि अक्षित ने स्कूल जाने से पहले ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, ऑलरेडी उसने बोल दिया है। और अब मैंने योगा मैट है और मैं बैठी हूँ योगी के लिए, बस 2 मिनट बाकी हैं, योगा क्लास की कॉल आने वाली है, तो मैंने सोचा तब तक आप लोगों से बात ही कर लूँ मैं। बस यार गाइस योगा करते हैं, योगा करने के बाद फिर देखते हैं कुछ नाश्ता पानी करेंगे। एक्चुअली जब एक दिन पहले फास्ट होता है ना, और ख़ासकर हमें मीठा खाना हो, तो अगले दिन ऐसा लगता है कुछ चटपटा मिल जाए, कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ नमक वाला मिल जाए खाने के लिए, तो ऐसा लगता है। तो मैंने आज सूजी भिगा दी है, मैं सूजी के चीले बनाऊँगी विच इज़ वेरी हेल्दी। और गए आप देख सकते हैं ये बिल्ली वहीं से देख रही है, देखो लेटी लेटी न्यू क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो। सो गाइस अब हम ये सोच रहे हैं कि अक्षित के जो है छुट्टियां पड़ने वाली है, समर हॉलीडेज पड़ने वाली है, तो इन समर हॉलीडेज में उसे समर कैंप भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, क्योंकि समर कैंप भेजने में भी बहुत रिस्क है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और इतनी ज़्यादा गर्मी में बच्चे को बाहर भेजना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और दूसरी बात, जब समर कैंप में बच्चा जाएगा, खेलेगा, कूदेगा, तो स्वेटिंग भी होगी उसे, और जब स्वेटिंग होगी तो आपको पता ही है पसीने में कितनी प्रॉब्लम हो जाती है जब धूप पड़ती है सर पे। तो मेरे तरफ से तो ना है, मैं नहीं भेजना चाहती हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। और आप बताइए सब लोग कैसे हैं, और काम वाम सब डन हो गया है, कपड़े सुखाने रह गए हैं, तो आफ्टर योगा मैं कपड़े सुखाऊंगी फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस योगा हो चुकी है डन और अब लगी है बड़ी ज़ोरों की भूख, तो नाश्ते में मैं सूजी के चीले, आप देख सकते हो बहुत कम मैंने इसमें घी यूज़ किया है, और साथ में यहाँ बन रही है चाय, तो बढ़िया से नाश्ता करते हैं, ठीक है गाइस। और जिस जिसको खाने हैं सूजी के चीले, यू कैन कम एट माई होम एंजॉय विद मी। एंड गाइस लिटरली दिस इज सो टेस्टी एंड यमी एंड हेल्दी ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो गिव योर चिल्ड्रन दिस ऑन द प्लेस ऑफ पिज्जाज एंड बर्गर्स। सो गाइस आज चलते हैं आपके साथ गट्टा रेसिपी शेयर करने। एक्चुअली बेसन के जो गट्टे हैं बहुत ही फेमस है, राजस्थान की जो है फेमस जो है करी है गट्टा करी, और बहुत ही फेमस है ये, बेसन से बनाई जाती है, बहुत लोगों को आप लोगों को पता होगा। तो आज चलते हैं गट्टा बनाने के लिए, तो उसके लिए मैंने बेसन ले लिया है, राजधानी बेसन यूज़ करते हैं हम लोग। और ये एक स्पेशल है जो मैंने गट्टे के, जो मैं गट्टा का जो आटा तैयार करूँगी, डो तैयार करूँगी, उसके लिए मैंने करा है प्रिपेयर। एक सेकेंड, इसमें है सौंफ और खड़ा धनिया, सौंफ, खड़ा धनिया, जीरा और थोड़ी सी अजवाइन, उसको मैंने भून, और काली मिर्ची, 5 चीज़ें हैं, काली मिर्च, सौंफ, खड़ा धनिया, अजवाइन, जीरा, उनको भूनकर मैंने ये मसाला प्रिपेयर कर लिया। अब ये गट्टे का डो बनाने जा रही हूँ मैं, उसमें ये ऐड करके मैं उसका डो बनाऊँगी। वैसे कई लोग सिंपल बनाते हैं बट मैं ये इसमें यूज़ करके बनाऊँगी, साथ में कसूरी मेथी भी मैं इसमें डालूँगी। और यहाँ पर मैंने टमाटो प्यूरी ले ली है, और यहाँ प्याज की, अगर आप प्याज खाते हो तो प्याज की प्यूरी भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप बिना लहसुन प्याज के भी टमाटर, ओनली टमाटर या दही जो ग्रेवी है उससे तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं गाइस गट्टे बनाने। सो गाइस मस्त बारिश वाला रेनी सीजन, हर सीज़न बोल रही हूँ, रेनी वेदर हो गया है, और एकदम से अभी बूंदा बांदी हुई थी तो सारे कपड़े सूख रहे, तो मैंने फटाफट से उठा लिए हैं सारे कपड़े, ये देखिए। और वेदर इतना टू गुड हो गया है गाइस, ये देखिए हल्की हल्की जो है बूंदें आ रही हैं, ये देखिए, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। अक्षित अभी आया नहीं है, उसका वेट कर रही हूँ मैं, इसलिए मैं उसी के लिए गट्टे बना रही थी,
बिकॉज उसे गट्टे की सब्जी बहुत ज़्यादा। तो गाइज आप कमेंट में बताइए कि ऐसे रेनी सीजन में आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। ओके गाइज तो चलते हैं थोड़ी देर बाद में। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक डेढ़ कटोरी के करीब बेसन ले लिया है। और सो गाइज इस तरीके का डो मैंने तैयार कर लिया है इसका गट्टे का, और साथ में इस तरीके के ये लंबे लंबे इसके वो बना लिए हैं मैंने। आप चाहे तो बाबू हटो, आप चाहे तो इसे ऐसे बीच में से कट कर करके भी कैंची से डाल सकते हो उबलने के लिए, बट मैं ऐसे लंबे लंबे डाल के उसके बाद इसे कट करूँगी। तो ये देखिए कितना बढ़िया आटा बन के तैयार हुआ है, देखिए। चुप रहो गाइस, ये देखिए इस तरीके से पानी बॉईल कर लेना है हमें, और ऐसे कर करके ये जो गट्टे हैं ये इसमें डाल देने हैं। और प्लीज़ गाइस आप लोग इसी तरीके से बनाएं और खाएं, फैमिली को खिलाएं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, बहुत ज़्यादा अच्छी। और ये गाइस बस इन्हें पक पक के ना ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे पानी के, जब ये पानी के ऊपर आ जाएंगे इट मीन्स इट हैज़ डन, हो चुके हैं ये। इनका पहचानने का तरीका ये अपने आप ऊपर आ जाएंगे जब ये पूरी तरीके से पक जाएंगे। तो ढक्कन लगा देते हैं, अब इन्हें पकने देते हैं। देखिए और हमारे गट्टे जो हैं ये बॉयल हो गए हैं अच्छी तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से पक गए हैं। अब हम मसाला बनाने जा रहे हैं। और गाइस ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मेथी दाने डाल के और ये प्याज पोंक दी है, डाल दी है तेल में बनाने, और गट्टों को मैंने ऐसे शेप में काट लिया है। आप चाहे तो इतने लंबे लंबे पीसेस में भी काट सकते हैं, छोटे में भी काट सकते हैं, एनी साइज़ में काट सकते हैं, एज़ यू विश। और गाइज ये देखिए बढ़िया गट्टे की सब्जी बन के रेडी हो गई है, और हम लोगों को राइस के साथ खानी है इसलिए हम लोगों ने थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी रखी है। अगर आप लोगों को रोटी के चपाती के साथ खानी है तो भी ग्रेवी आप इतनी रख सकते हैं, हमें तो ग्रेवी अच्छी लगती है इस वजह से। ये देखिए गाइज और इतना लिटरली इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना इसका, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, है ना। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे को नहीं आता मामी। बस बाबू बंद कर दे अपना। कैसे कैसे फेंको फेंको प्लेट फेंको जल्दी से, जल्दी फेंको प्लेट। एलू पास पास खेलो, आप दोनों पास पास खेलो। ये भाई साहब चिल्लर पार्टी के साथ खेल रहे हैं। ओए होए भैया को पास करो, भैया को दो, भैया को, भैया को, भाई को। चाबी भी है ध्यान से। नहीं आ रहा एलू को, नहीं आ रहा। अरे किसकी बोतल है? एलू की है, अपनी है। इनमें कुछ नहीं है, सिर्फ पानी है। मम है, मम मम है, मम बेटा मम। मम्मा वीडियो बना रही है, कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड। अरे आपको तो खेलना आता है भाई, कैसे कैसे? ओ वेरी गुड, एक बार और करो, एक बार और करो, जोर से ऐसे ऐसे करके फेंको। हाय, मास्क हटा दो बाबू, इधर कोई नहीं है। अच्छा है यहाँ पे, फ्रेश एयर आ रही है, मास्क हटा दो, जाओ लेके आओ, गिर मत जाना साइड से। गड्ढा है तो गड्ढे में नहीं जाना, साइड से जाना है। आप सीखो कि कैसे चलना है मुझे, उठाओ उठाओ। वो भागा आराम से, आराम से, आराम से। और ये भाई साहब यहाँ बच्चों के साथ खेलने में लगा पड़ा है, देखिए। एलू मैडम को खेलना ही नहीं आ रहा बैडमिंटन, और ये पसीने में तर हो गए हैं, ऐसे ही इनका वेट कम होगा और कार्तिक का भी। गाइस अभी हम पार्क से आ चुके हैं, और ये देखिए इतनी लाल चींटी हो गई है मंदिर में, मंदिर में और रखा भी नहीं। हाँ जी गाइस, शायद मेरे को लगता है मम्मा बाबू ने चीनी ला के डाल दी है इधर। नहीं अब सुबह ना सारा मंदिर साफ करूंगी। तो गाइस देखिए इधर पूजा हो रही है, आप देख सकते हैं मम्मा पूजा कर।
सो गाइज इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइज दादी ने मुझे दिला है कुरकुरा, अगर आप खाना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे घर पे आइए और मेरे साथ खाइए। भाई साहब ने को टॉफी और चीज़ें दिलाई थी तो टॉफी सारी चारों की चार टॉफी खा गया। तो गाइज प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपके भाई बहन भी ऐसे ही करते हैं। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं कल, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होंगे आगे के। बाय।